दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल दुपट्टा. बेसिकली इसको मुझे बहुत कम रेट में पड़ा था. ये सारा सेट है, ये थोड़ा सा ना पाकिस्तानी सूट वाला भी फील दे रहा है. बैक टू माई चैनल, दिस इज नीतू. आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो गए. सो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है मीशो सूट्स हॉल. सो मैंने कुछ सूट्स ऑर्डर करे हैं मीशो से, जिनकी प्राइस रेंज लाइक मैंने इस वीडियो का बजट रखा है अंडर ₹500. सो बहुत सुंदर सुंदर सूट्स हैं जो मैंने ऑर्डर करे हैं. एंड आई बेट यू गाइस, इससे सस्ते सूट ना ही आपको बाहर कहीं मिल पाएंगे ना ही मीशो पे. मैंने लगभग कुछ 2 घंटे लगे होंगे मुझे सारे सूट्स को फिल्टर आउट करने में. तो डेफिनेटली आपको काफ़ी रिकमेंडेशंस मिल जाएंगी. सो वीडियो के एंड तक बने रहना. एंड ऑल्सो गाइज, इस पूरे मंथ में मैं सिर्फ सिर्फ मीशो की ही कैटेगरी ट्राई करने वाली हूँ अलग अलग. तो अगर आपके पास कोई भी रिकमेंडेशन हो या स्पेसिफिकली चाहते हो कि मैं ये कैटेगरी ट्राई करूँ तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी का ही डालूंगी डेफिनेटली. सो वीडियो के एंड तक बने रहना. एंड जो जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. The first kurta set that I have ordered is basically a Narkali kurta set, and that is something. So basically it's a suit जिसके साथ कुर्ता है, चुन्नी है, but bottom नहीं है. Since इसकी जो length है वो काफ़ी लंबी है, ankle length तक आ रही है, तो उसमें bottom की इतनी ज़रूरत नहीं है. तो बात करते हैं इसके कुर्ते की सबसे पहले. सो दिस इज द कुर्ता सेट. सो बेसिकली इसका कुर्ता कुछ ऐसा सा लगता है, अ वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर का कुर्ता. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. गोल्डन प्रिंटेड कुर्ता है. यहाँ से आप देखोगे तो सारा प्रिंट दे रखा है, यहाँ पे गोल्डन कलर का प्रिंट दे रखा है. बॉटम आप देखोगे तो ये बॉटम इसका कुछ ऐसा सा है, इस तरीके से ये बॉर्डर दे रखा है. फ्रंट और बैक का बॉर्डर जो है वो बिल्कुल सेम है. प्रिंट भी इनफैक्ट बैक पे ये बिल्कुल सेम ही है. टॉकिंग अबाउट द नेक, नेक इसका जो है वो इस तरीके से है, थोड़ा बहुत वी नेक है. एंड यहाँ पे ये गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है. वही गोटा पट्टी का वर्क है जो सेम बॉटम पे जो दे रखा है, बॉटम पे कह रही हूँ, बॉर्डर पे जो दे रखा है वही सेम वर्क इसका गोटा पट्टी का यहाँ पे नेक पे इस तरीके से हो रखा है. टॉकिंग अबाउट स्लीव्स, इसकी स्लीव्स जो है वो 3-4 स्लीव्स है. यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये बॉर्डर दे रखा है. एंड अगेन गोटा पट्टी का यहाँ पे ये वर्क हो रखा है. सो काफी ज्यादा सुंदर कुर्ता है. टॉकिंग अबाउट दुपट्टा, इसका दुपट्टा कुछ ऐसा सा है, लाइक लुक एट दिस गाइस, दिस ब्यूटीफुल दुपट्टा, एंड आई जस्ट लव इट. सी, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा. बेसिकली इस कुर्ता सेट की यूएसपी ही यही है, इसका दुपट्टा. कलर कॉम्बिनेशन जो है ना, बेसिकली रेड और ब्लैक का वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. टॉकिंग अबाउट द दुपट्टा, इसका दुपट्टे की जो लाइक मटेरियल की बात करें तो रेयन मटेरियल है. यहाँ पे बॉर्डर आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर पे गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है, इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे. प्रिंटेड दुपट्टा आ रहा है, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत प्यारा है. लाइक ये जो पूरे सूट को ना, इसका लुक जो है पूरा एलिवेट कर रहा है. टॉकिंग अबाउट द प्राइस, मुझे बहुत कम रेट में पड़ा था ये. मुझे ये पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 496 रुपीज में गाइस. इमेजिन अबाउट द साइज, मैंने इसको ऑर्डर किया था एम साइज में, विच फिट्स परफेक्ट. आप यहाँ पे ट्राई ऑन में चेक कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट द साइज अवेलेबिलिटी, इट्स अवेलेबल फ्रॉम साइज स्मॉल टू 4XL तक, मतलब 4XL तक अवेलेबल है. सो विच इज अ वेरी नाइस थिंग, काफी लोगों को ये फिट हो जाएगा. मीशो पे इसकी रेटिंग दे रही थी 3.9, बट आई विल गिव 5 out of 5 टू दिस सूट, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली वाओ वाला सूट है ये. डेफिनेटली आप इसको तो ट्राई कर ही लेना, मैं मेंशन कर दूंगी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन. द नेक्स्ट सूट दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज बेसिकली अ कुर्ता सेट, बट दैट इज समथिंग वेरी नाइस, बिकॉज मैंने उसको बहुत कम रेट में ऑर्डर किया है, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर किया है 356 रुपीज में. इमेजिन जस्ट 356 रुपीज. सो अब मैं आपको सूट दिखा देती हूँ. सो दिस इज द कुर्ता सेट, दिस इज ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, बहुत प्यारा है. कलर इतना ज़्यादा सुंदर है, आई डोंट नो, शायद इसमें रिंग लाइट की वजह से आपको थोड़ा सा ना ज़्यादा लग रहा हो कलर इसका, पर्पल ब्लू कलर लग रहा हो, बट इट्स अ वेरी सोबर ब्लू कलर. तो ये फ्रंट से आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा सा है. यहाँ पे आप देखोगे तो सारा प्रिंट वर्क हो रखा है. यहाँ पे फ्रंट पे ये बॉर्डर सा दे रखा है इस तरीके से. नेक आप देखोगे तो राउंड नेक है. स्लीव्स 3-4 स्लीव्स है. अगेन यहाँ पे बॉर्डर की एंड में, लाइक स्लीव्स की एंड पे ये बॉर्डर दे रखा है इस तरीके का. यहाँ से आप देखोगे तो पूरा ये प्रिंटेड है, फ्रंट से ये सारा प्रिंटेड है. अगेन यहाँ पे ये नीचे ये बॉर्डर दे रखा है, जो स्लीव्स की बॉर्डर दे रखा है ना वही ये कुर्ते के बॉर्डर में दे रखा है. बैक इसका बिल्कुल प्लेन है, इस तरीके से ये प्लेन बैक आएगा. सो बेसिकली इसका सारा काम जो हो रखा है वो इसकी फ्रंट पे ही हो रखा है इस तरीके से. टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ दिस कुर्ती, कुर्ती की अगर बात करें लेंथ की, तो ये मुझे आ रहा है नी लेंथ तक, विच इज परफेक्ट. प्लाजो कुछ ऐसा सा है इस तरीके से, लाइक प्रिंटेड है ये भी. एंड यहाँ पे अगेन ये बॉर्डर दे रखा है, वही सेम बॉर्डर जो उसके कुर्ते में दे रखा है, स्लीव्स में दे रखा है, वही इसके बॉर्डर ये
बॉटम में दे रखा है, प्लाजो में दे रखा है। सो बेसिकली इट्स अ प्लाजो एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा समरिश वाइब दे रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पहन के गर्मी लग रही है या फिर कहीं से भी ये चुभ रहा हो कपड़ा। टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ दिस प्लाजो, इसकी लेंथ मुझे आ रही है एंकल लेंथ तक, आप ट्राई ऑन में चेक कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द साइज अवेलेबिलिटी, इसमें साइज अवेलेबिलिटी है ओके स्मॉल से लेके ट्रिपल एक्सेल तक गाइस। वाओ मेरा, मीशो का ये चीज बहुत अच्छी है कि साइजेस अच्छे ज्यादा अवेलेबल होते हैं, बट हाँ एक थोड़ा ड्रॉबैक भी है कि साइजेस जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो अभी तो इसमें स्मॉल से लेके ट्रिपल एक्सेल तक अवेलेबल है, तो अगर आपको ये कुर्ता सेट पसंद है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। सूट आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम मीशो इज बेसिकली अ शरारा सेट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास एक भी शरारा सेट नहीं था। दिस इज द फर्स्ट सेट दैट आई हैव परचेज्ड एंड आई जस्ट लव इट गाइस, बहुत सुंदर है, बहुत कम रेंज में भी है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका सूट ही दिखा देती हूँ। सो दिस इज द कुर्ता, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो यहाँ से आप देखोगे तो फ्रंट से ही कुछ ऐसा है, पैटर्न इसका जो है वो चेक पैटर्न है। नेक आप देखोगे तो राउंड नेक है, यहाँ से स्लीव इसकी इस तरीके से स्लीव दे रखी है, हाफ स्लीव। फ्रंट से जो है ये बिल्कुल प्लेन है, इज जस्ट चेक्ड, यू नो पैटर्न जो है इसका चेक्ड है, जिस वजह से ये थोड़ा सा हैवी बना रहा है इस सूट को। टॉकिंग अबाउट द बैक, इसका बैक जो है वो बिल्कुल प्लेन है, इस तरीके से ये बिल्कुल प्लेन है। लेंथ इसकी जो आ रही है वो अबव नी लेंथ तक आ रही है, सिंस इसके नीचे शरारा है। तो डेफिनेटली शरारा का बेसिकली यही होता है ना कि जो इसका अपर होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है। अगर शरारा आप देखोगे तो शरारा इसका कुछ ऐसा सा है, सेम कलर का ही है, बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं, कोई भी वर्क नहीं हो रखा। इज जस्ट यहाँ पे बॉटम में इसके ये गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है, गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में ये गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है। जो गोल्डन और ये ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, पता नहीं क्यों, शायद मैं पहली बार ही पहन रही हूँ शरारा सेट इसलिए। बाकी टॉकिंग अबाउट द दुपट्टा, इसका दुपट्टा कुछ ऐसा सा है, सैटिन में थोड़ा सा कपड़ा जो है ना वो इसका सैटिन में इस तरीके से सैटिन का कपड़ा है। यहाँ पे अगेन ये बॉर्डर वर्क हो रखा है, एक गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है बॉटम में। यहाँ से आप देखोगे तो ये कुछ पहन के ना ऐसा सा लग रहा है, लाइक सी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक कलर ही इसका इतना ज्यादा सुंदर है, पैटर्न इतना अच्छा है, स्टाइल इतना अच्छा है शरारा सेट। एंड प्राइस तो लाइक मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ पड़ा है 496 रुपीज में। इमेजिन गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 496 रुपीज में पड़ा है एंड बहुत सुंदर है, लाइक मस्ट बाय वाला पीस। सो डेफिनेटली आप इसका लिंक भी चेक कर सकते हो, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। द नेक्स्ट सूट दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज बेसिकली अ कुर्ता सेट एंड दैट इज पिंक इन कलर, वो भी बहुत ज्यादा सुंदर है। सो दिस इज द कुर्ता सेट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, अगेन इट्स अ शरारा सेट बट इसके साथ दुपट्टा नहीं है, अपर और बॉटम है। सो दिस इज द अपर, इसका कुर्ता कुछ ऐसा सा लगता है। यहाँ से आप देखोगे तो फ्रंट पे इसका जो नेक है, बेसिकली नेक इसका राउंड नेक है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे सारा वर्क हो रखा है इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे सारा वर्क हो रखा है। नीचे नीचे आके देखोगे तो सारा ये प्रिंट दे रखा है, इस तरीके से ये प्रिंट दे रखा है, जो कि काफी हैवी बना रहा है इस कुर्ती को। टॉकिंग अबाउट द स्लीव्स, स्लीव्स इसकी कुछ ऐसी सी है, इस तरीके से स्लीव्स आएगी इसकी, 3-4 स्लीव्स एंड यहाँ पे ये थोड़ा बहुत ही लटकन सा दे रखा है। टॉकिंग अबाउट द बॉटम, बॉटम इसका है शरारा एंड आई जस्ट लव द बॉटम ऑफ दिस शरारा सेट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, सबसे पहले इसका कलर इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है, पिंक कलर एंड दैट टू ये ना बहुत ज्यादा बहुत ही खिल के आ रहा है ये पहन के, ये वाला पिंक कलर। इसका मटेरियल जो है वो रेयन और कॉटन का मिक्स है, तो गर्मी तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी मैंने सूट्स ऑर्डर करे हैं उसमें नहीं लग रही है, ऑब्वियसली मतलब समर्स का टाइम है तो कुछ भी पहन लो उसमें गर्मी लगती है, बट हाँ इतनी गर्मी नहीं लग रही कि आप ऐसा हो कि ये क्या ये पहन लिया मैंने, क्या पहन लिया कि मैंने क्या ही रेकमेंड कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये जो शरारा सेट है ये थोड़ा सा ना पाकिस्तानी सूट वाला भी फील दे रहा है, तो अगर आपको आपको अगर पाकिस्तानी सूट्स पसंद है तो आप डेफिनेटली ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। टॉकिंग विद द प्राइस, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर किया था 456 रुपीज में, लाइक पूरा सूट इमेजिन सिर्फ 456 रुपीज में, इतनी अच्छी डील्स मुझे मतलब ऐसा ना धोखे से मिल जाती हैं मीशो पे। तो मीशो को कुछ ऐसा ही है, इतने कम रेट में कभी कभार ये बहुत अच्छी चीज़ें बेच देते हैं, तो मेरे साथ शायद इस बार ऐसा ही कुछ हुआ है। तो डेफिनेटली आप इसका लिंक भी चेक कर सकते हो, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। द नेक्स्ट कुर्ता सेट आई हैव ऑर्डर्ड इज अ वेरी ब्यूटीफुल कुर्ता सेट एंड इट्स प्योर कॉटन वाला कुर्ता सेट। सो दिस इज अ कुर्ता सेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का एंड आई जस्ट लव इट, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है। फ्रंट से आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ से इसका नेक जो है वो इस तरीके से है, राउंड नेक है। यहाँ से आप देखोगे तो
अपर पे ये थोड़ा बहुत प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे नीचे नीचे आते इसका जो प्रिंट है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। लेंथ इसकी जो है वो बिल्कुल लाइक एंकल लेंथ तक आ रही है, तो बॉटम का अगेन इतना कोई इशू नहीं है, इसके साथ बॉटम नहीं आया है तो मुझे इतना इशू नहीं लग रहा है। आप इसके साथ कोई भी क्रीम कलर की पजामी, क्रीम कलर का पैंट आपके पास जो भी हो आप वो उसके साथ पैर आप कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द स्टाइल, इसका स्टाइल जो है वो अनारकली स्टाइल है, तो अनारकली स्टाइल के ऐसे कॉटन वाले सूट जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। टॉकिंग अबाउट द बैक ऑफ दिस कुर्ती, कुर्ती की बैक जो है वो भी सेम, बिल्कुल सेम है जैसे फ्रंट है वैसे ही इसकी बैक है। टॉकिंग अबाउट द स्लीव्स, स्लीव्स इसकी कुछ ऐसी सी है, बलून स्लीव्स है, लेंथ इसकी 3-4 स्लीव्स तक आ रही है। स्टाइल जो है बेसिकली बलून स्लीव्स का वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। लाइक द लुक ऑफ दिस कुर्ती इज वेरी नाइस, लाइक कॉटन की कुर्ती है बट जो उसकी स्लीव्स है, जो उसका प्रिंट है, जो उसका पैटर्न है, वो सब मिला के बहुत ज्यादा यू नो एक्सपेंसिव सूट लग रहा है। टॉकिंग अबाउट द चुन्नी, चुन्नी इसकी कुछ ऐसी सी है, इस तरीके से चुन्नी है, कॉटन की ही चुन्नी है। आई यू नो ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है, चुन्नी भी काफी ज्यादा लाइट है बट लाइट के साथ साथ ये ब्यूटीफुल भी लग रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर कॉम्बिनेशन एंड पैटर्न। टॉकिंग द प्राइस ऑफ दिस सूट, मैंने इसको ऑर्डर किया था कुछ 805 रुपीज़ में, मतलब ऐसा ही कुछ है, 505-500, मतलब इस रेंज में ही है। तो आप लोग भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बहुत ज्यादा सुंदर सूट है, किसी के फंक्शन में, छोटे मोटे फंक्शन में, या फिर आप इसको नॉर्मल वेयर में भी पहन के जा सकते हो। सो आई मेंशन द लिंक ऑफ दिस सूट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डेफिनेटली। दैट्स इट गाइज, यही कुछ सूट थे जो मैंने ऑर्डर करे थे मीशो से। आई होप आपको थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन मिल गई हो, एंड आई नो मैंने ज्यादा सूट्स नहीं ऑर्डर करे हैं, बहुत ही सिलेक्टिव सूट्स ऑर्डर करे हैं, बट हाँ जस्ट बिकॉज मैंने इसका बजट 500 के अंडर रखा था तो इतने सूट्स नहीं आ रहे थे, एंड आई यू नो आई टेल यू लाइक आप आंखें बंद करके इन सूट्स को ऑर्डर कर सकते हो बिकॉज द क्वालिटी, द फिट, कलर सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो डेफिनेटली आप इनमें से कुछ ना कुछ सूट्स तो ऑर्डर कर ही लेना अगर आपके घर में किसी की शादी वगैरह है तो। बाकी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ वीडियो शेयर कर देना, उनको थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन मिल जाएंगी। सो या दैट्स इट, इफ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई यूजली पोस्ट अ लॉट ऑफ मेकअप वीडियोज, हॉल वीडियोज, ब्लॉग वीडियोज इन मेनी मोर स्टॉक्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इन केस इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं इसका हैंडल भी मेंशन कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक कर लेना गाइस। बाय, लव यू।